उधर हमास और इज़राइल के बीच छिड़ी जंग के दौरान लेबनान के चरमपंथी संगठन हिज़्बुल्लाह ने बहुत बड़ा दावा किया। हिज़्बुल्लाह ने दावा किया कि उत्तरी इज़राइल में उसके लड़ाकों ने रॉकेट दागकर एक चर्च को तबाह कर दिया। हिज़्बुल्लाह ने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया और 58 सेकंड के इस वीडियो के 11वें सेकंड पर एक जोरदार हमला होता दिखा। खबरों के मुताबिक हिज़्बुल्लाह ने जिस इमारत को निशाना बनाकर रॉकेट दागा वो उत्तरी गाजा के इकरित में बनी सेंट मैरी चर्च थी। वीडियो की शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिखा, इमारत के बाहर कुछ लोग चलते फिरते नजर आए, लेकिन अगले ही पल वहां सफेद धुआं उड़ाता हुआ एक रॉकेट आता दिखाई दिया और पलक झपकते ही फट गया। इसके बाद वहां चारों तरफ बारूद बिखर गया और पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। खबरों के मुताबिक हिज़्बुल्लाह के इस हमले में 80 साल का एक बुजुर्ग घायल हो गया जो चर्च में प्रार्थना के लिए आया था। सूचना मिलने पर उसे बचाने के लिए जैसे ही इज़राइल की सेना के जवान वहां पहुंचे, हिज़्बुल्लाह के लड़ाकू ने चर्च को निशाना बनाकर एक और मिसाइल दाग दी। दूसरे धमाके से पहले उस जगह पर 5 से 6 लोग दिखाई दे रहे थे, लेकिन विस्फोट होते ही वहां चारों तरफ धुआं फैल गया। हिज़्बुल्लाह ने दावा किया कि चर्च पर बुजुर्ग को बचाने पहुंचे इज़राइल के 9 सैनिक उनके हमले में घायल हो गए। और इज़राइल के अखबार द टाइम्स ऑफ इज़राइल के मुताबिक इस हमले ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के गुस्से को और ज्यादा भड़का दिया। इज़राइल ने लेबनान की सीमा से लगे उसके ईसाई गांव पर रॉकेट हमले पर नाराजगी जाहिर की और दो टूक कहा कि हिज़्बुल्लाह की इस गलती की कीमत पूरे लेबनान को चुकानी पड़ेगी। द टाइम्स ऑफ इज़राइल के मुताबिक इकरित में चर्च पर हुए हमले में उसके 9 सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए जबकि 8 जवानों को भी हल्की चोटें आईं। इज़राइल की सेना ने बताया कि इलाज के दौरान एक सैनिक की मौत भी हो गई। द टाइम्स ऑफ इज़राइल के मुताबिक हिज़्बुल्लाह ने जिस गांव को निशाना बनाकर रॉकेट दागे वो ईसाइयों का गांव है और लेबनान की सीमा से बिल्कुल लगा हुआ है। 7 अक्टूबर को इज़राइल पर हमास के हमलों के बाद इज़राइल की सेना ने पूरे गाजा पर जोरदार हमले शुरू कर दिए थे। हमास के ठिकानों पर आसमान से बम बरसाए गए तो वहीं ग्राउंड ऑपरेशन करके उन्हें पूरी तरह तबाह करने का दावा इज़राइल की तरफ से किया गया। गाजा पर हमलों से बौखलाए लेबनान के चरमपंथी संगठन हिज़्बुल्लाह ने इज़राइल की उत्तरी सीमा पर जंग का मोर्चा खोल दिया। इज़राइल का दावा है कि ईरान के इशारे पर हिज़्बुल्लाह के लड़ाके उसकी सीमा में खून खराबा कर रहे हैं और हमास की तरह इसकी बहुत भारी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी।